हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को माया नगरी मुंबई के दौरे पर मौजूद रहे। यूपी में भविष्य में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई आए। इतना ही नहीं, इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कई बिजनेसमैन से बातचीत की। इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों ने भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस बीच सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर खास बात की। अपनी बात को आगे रखते हुए सुनील शेट्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि इंडस्ट्री के खिलाफ चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड को रोकना चाहिए, इससे इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप इस मामले पर चर्चा करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले को लेकर बातचीत करें, इससे बहुत फर्क देखने को मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के प्रति इस विरोध की भावना को रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। यानी कि जरूर कहा जा सकता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड कर रहा है उससे वाकई बड़े से बड़े सुपरस्टार को फर्क पड़ रहा है। विकी कौशल और कटरीना कैफ नए साल के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर मत्था टेकने के लिए पहुंचे। कपल ने शुक्रवार सुबह को भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर विकी की मां वीना कौशल भी मौजूद रहीं। कटरीना और विकी कौशल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। कुछ दिनों पहले ही विकी और कटरीना राजस्थान के वेकेशन मनाकर मुंबई लौटे हैं। तस्वीर में कटरीना कैफ नो मेकअप लुक में नजर आई है। वो सिंपल ग्रीन कलर की सलवार सूट में दिख रही हैं, वहीं विकी कौशल व्हाइट टी शर्ट और बेज कलर की पैंट में दिख रहे हैं। कटरीना ने दुपट्टे से अपने सिर को कवर किया है और अपनी आंखें बंद करके भगवान गणेश की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही हैं। विकी कौशल की मां भी कटरीना के बगल में ग्रे कलर के सूट में नजर आ रही है। कटरीना कैफ के फैन पेज पर इन फोटोज को शेयर किया गया है, जिस पर यूजर्स भर भर कर कमेंट्स कर रहे हैं और कपल की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर से लिखा, क्यूट फैमिली, भगवान आप सभी को आशीर्वाद दे। दूसरे ने कमेंट किया, कटरीना के लिए सम्मान। इसके अलावा यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में कपल के लिए जमकर हार्ट इमोजी शेयर किए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो कटरीना कैफ की कई फिल्में लाइन में हैं। वो सलमान खान के साथ टाइगर 3, विजय सेतुपति के साथ मेरी क्रिसमस और आलिया भट्ट के साथ जीने जरा जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। ये फिल्म एक के बाद एक सिनेमाघरों में दस्तक देंगी। पिछली बार कटरीना कैफ कॉमेडी हॉरर फिल्म फोन बूथ में नजर आई थी। भोजपुरी सिनेमा से लेकर छोटे पर्दे तक अपनी हसीन अदा से दर्शकों का दिल जीतने वाली मोनालिसा ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए हैं। मोनालिसा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी हसीन तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं, लेकिन हाल ही में मोनालिसा ने कड़ाके की ठंड में एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी जिसे देख फैंस खुद ठिठुर रहे हैं। मोनालिसा ने कुछ ऐसे ही पल पहले ब्लैक बिकनी में अपनी ग्लैमर सी तस्वीर दर्शकों के सामने साझा कर दी। मोनालिसा इस तस्वीर में काफी सिजलिंग लग रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में उन्हें इस तस्वीर में देखकर फैंस भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा, बढ़ती उम्र के साथ मोनालिसा की खूबसूरती और ज्यादा खिलती नजर आ रही है। 30 की उम्र पार करने के बाद भी मोनालिसा का निखार थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। मोनालिसा के चेहरे का ग्लो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उनकी हॉटनेस का तो क्या ही कहें। उनकी हॉटनेस से फैंस भी उनके दीवाने हो बैठे हैं। मोनालिसा ने जब कुछ पल पहले ब्लैक बिकनी में अपनी तस्वीरें शेयर की तो उनकी इस तस्वीर पर टीवी सितारों से लेकर उनके फैंस खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। मोनालिसा के साथ फव्वारा चौक में काम कर रहे उनके को स्टार राजीव ने कमेंट बॉक्स में इमोजी बनाकर मोनालिसा की तस्वीर पर अपनी दीवानगी दिखाई। तो वहीं टर्न से सताए मोनालिसा के चाहने वालों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि आपको ठंड नहीं लगती क्या बहन। तो वहीं अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखता है, ओल्ड इज गोल्ड। वैसे कहना पड़ेगा मोनालिसा की ब्यूटी पर ये कमेंट बिल्कुल फिट बैठता है। और ऐसी ही तमाम चटपटी खबरों के लिए आप देखना मत भूलिए बॉलीवुड गपशप।